हाय गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द मेडिटेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे इन द प्रीवियस वीडियो, कि एंसेस्टर्स की मुक्ति के लिए ये मेडिटेशन हम सभी कर सकते हैं। तो एंसेस्टर्स के अलावा भी, जैसे कि हमें से कुछ के पेरेंट्स नहीं रहे कोविड के टाइम, और कुछ की फैमिलीज़ में डिस्टर्बेंसेस हुई इस तरह की रिलेटेड टू सम रिलेटिव्स एंड समथिंग, ठीक है। तो उनके लिए भी हम ये प्रार्थना कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपना जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो ड्रॉ कीजिएगा। ड्रॉ इन द सेंस के विजुअलाइज कर लीजिएगा कि यू आर इन अ प्रोटेक्शन शील्ड, और या फिर आप दुर्गा कवच या कोई भी कवच उसके पहले पाठ कर सकते हैं, ठीक है। देन योर ऑरा विल बी प्रोटेक्टेड एंड पायस। इसके साथ ही आप माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि इस कवच के बाद जो आप एंसेस्टर्स की हीलिंग के लिए, उनकी मुक्ति के लिए जो मेडिटेशन करने जा रहे हैं, उसमें वो आपके एंसेस्टर से कनेक्ट होने में आपकी हेल्प करें। उसके बाद डीप ब्रीदिंग कर लीजिए सो दैट यू विल बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट यू आर डूइंग, ताकि 10 जगह आपका दिमाग ना चले एंड यू विल बी रिलैक्स्ड वंस यू ब्रीद डीपली, ठीक है। उसके बाद आप जस्ट इमेजिन योर सेल्फ के वाइट लाइट है जो ऊपर की साइड से आ रही है, तो एक एक करके आपके सारी बॉडी पार्ट्स में वो स्प्रेड होती जा रही है, और आपकी बॉडी में जो जो टॉक्सिसिटी रिमेनिंग है वो आपके फीट के थ्रू, जहाँ आप धरती पे खड़े हैं, आपके फीट के थ्रू धरती में अंदर जा रही है, धरती के कोर तक। और जो धरती का कोर है वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आग होती है, फायर होती है, बहुत गर्म होता है वो, वहाँ पे जाके वो जो आपकी टॉक्सिसिटी है इट गेट्स बर्न्ट, और वो जो एनर्जी है वो ट्रांसम्यूट होके इट बिकम्स प्योर, और वो पॉजिटिविटी के रूप में धरती माँ आपको वापस आपके फीट के थ्रू आपकी बॉडी में वापस भेज रही हैं, एंड यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव। इसके बाद आप अपने पुरखों को इमेजिन कर सकते हैं अपने आगे एज सोल्स, ठीक है। जैसे भी आपको विजुअलाइजेशन में ऑटोमेटिकली यू विल मूव इन टू अ फ्लो, तो आप उनको इमेजिन कर सकते हैं। आर्कएंजल माइकल को बुलाइएगा इसके पहले, और आर्कएंजल माइकल को बोलेगा कि प्लीज़ ये मेरे जो भी एंसेस्टर्स हैं या मेरे अपने लोग हैं, इनको आप प्लीज़ हेल्प कीजिए, या अपनी जो भी एनर्जीज ने इनको स्टक किया हुआ है, जिसकी वजह से ये फ्री नहीं हो पा रहे, मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, अगला बर्थ नहीं ले पा रहे हैं, वो इस जोन में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं स्टक हैं। वो कुछ नेगेटिविटीज़ भी हो सकती हैं और कुछ अटैचमेंट भी हो सकती हैं उनके अपने लोगों से, तो उनको मुक्त होने में हेल्प कीजिए, अपनी सॉर्ड से उनकी नेगेटिविटी को कट ऑफ करिए, और हमें हेल्प कीजिए कि हम इनको अच्छे से काउंसल कर सकें, राइट, क्योंकि वी ऑल आर हीलर्स, ठीक है। बाकी तो ये चीज़ डायरेक्टली भी हो सकती है कि इसके बाद का प्रोसेस, लाइक आप एक वायलेट फ्लेम इमेजिन कर लीजिए अपने और इन एंसेस्ट्रल सोल्स के बीच में, और आप उनको बोलिए कि अपनी जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, आपके जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी आपको हर्ट हुए, जो भी पेन हुआ, जो भी आपको दुख है या अटैचमेंट्स हैं आपकी, आप सब इस वायलेट फ्लेम में डाल दीजिए, जैसे कि हवन में सामग्री डाली जाती है इस तरह से आप डाल दीजिए, सो दैट ये जो वायलेट फ्लेम है वो उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देगी जिन्होंने आपको स्टक किया हुआ है, राइट। बट ये करना और कहना बहुत, लाइक इट्स लाइक डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। क्योंकि कहना बहुत इजी होता है और करना किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो उस जोन में है, वो स्टक है, तो हमारे कहने से इट्स नॉट सो ईजी फॉर देम कि हमने कहा और उन्होंने छोड़ दिया, इवन इफ दे ट्राई, क्योंकि ऐसा नहीं कि उन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया होगा, राइट। उनको भी बेचैनी होती होगी, उनको भी परेशानियाँ होती होंगी, ठीक है, बिकॉज दे आर नीदर अलाइव एंड नॉर दे आर इन द स्टेट ऑफ टेकिंग अनदर बर्थ अभी एज ऑफ नाउ व्हेन दे आर स्टक।
तो उनको थोड़ा सा काउंसल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो इंसिस्टर्स आपकी नई इन बातों को जानते हैं, या जिनको नई विजडम है, जिनको किसी ने हील नहीं किया है, दे नीड टू नो इट, राइट? तो सबसे पहली हीलिंग जो आप करेंगे अपने एंसेस्टर्स की कीजिए, अगर आपने अभी पर्पस अपना स्टार्ट नहीं किया है या करने वाले हैं तो, और अगर कर भी लिया है स्टार्ट तो भी अपने एंसेस्टर्स को क्यों वंचित रखना अपने गुणों से, राइट? तो उनको काउंसिल कीजिए, उनको बताइए कि ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको ग्रो करने से रोक रही हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, आप सिर्फ दो तीन चीज़ें करिए जिससे कि आपके सारे इश्यूज हील हो जाएंगे, आप सिचुएशंस जो कुछ भी हुई आपके साथ आप उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, ये मान लीजिए कि ये ऐसे ही होना था, ठीक है? क्योंकि एक चीज़ एक रीज़न से नहीं होती, उससे रिलेटेड बहुत रीज़न्स होते हैं, कुछ गलत भी होता है तो कुछ इसलिए होता है कि जो उन लोगों के बाद पीछे छूट गए उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिले, वो मजबूत हो जाए, ठीक है? वो लोग लाइफ को बेटर वे में हैंडल करना सीखें, परेशानियां सबको हुई लेकिन जो उनके पीछे रह गए थे उन्होंने लाइफ को एक बेटर वे में हैंडल किया और आज उनका वंश यहाँ तक बढ़ गया है, ठीक है? एंड उसके बाद जब वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं देन दे नीड टू फॉरगिव इट, ठीक है? फॉरगिव फॉर देयर ओन पीस ऑफ माइंड, किसी ने हर्ट भी किया होगा, किसी पर्सन ने, किसी सिचुएशन ने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई होंगी जो नहीं उन्होंने एक्सपेक्ट की होंगी लाइफ से, सब चीज़ों को माफ़ कर दीजिए, ये समझ लीजिए कि ये ऐसे ही होना था, और माफ़ करेंगे तभी हम इस दुख में से निकल पाएंगे, तो माफ़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा पर्सन जिसने दुख दिया हो वो हमें और ज़्यादा दुख देता रहता है हमेशा, जब तक वो हमारी यादों में होता है, हमारी दुखद यादों में होता है, एक बार जब हम उसे माफ़ कर देते हैं ना कि ठीक है ये हमने तो अच्छा किया, बाकी उसके कर्म उसके साथ, भगवान है ना, तो जब हम इस मोड में आ जाते हैं, जब हम उन्हें माफ़ कर देते हैं तो हमारा पीस ऑफ माइंड जो है वो वापस आता है एंड वी ऑटोमेटिकली मूव इनटू द स्टेट ऑफ सरेंडर, समर्पण हो जाता है कि वो ईश्वर है ना, वो देख रहा है ना, तो मैंने अपनी तरफ से गलत नहीं किया, वो ईश्वर सब सही करेगा आगे, और उसके बाद ईश्वर से प्रे करें कि जो भी मेरे लिए बेस्ट हो, मैं आपके लिए समर्पित हूँ, मेरा आपको समर्पण है, जो भी मेरे लिए बेस्ट हो वो आप करिए, और ये जो प्रेयर है ये ईश्वर से वो करें। तो इस तरह से आपको अपने एंसेस्टर्स को काउंसिल करना है और उनको महत्व बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है, जब एक सोल आती है वो अलग अलग बर्थ लेती है, सबसे पहले वो लाइक कीड़े मकोड़े बन के, फिर इंसेक्ट्स वगैरह बन के, जानवर बन के, पशु पक्षी बन के, इस तरह से जो है धीरे 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 अलग अलग बर्ड्स में वो ग्रो करते हैं लाइफ लॉन्ग, और फिर एक इंसान का बर्थ उन्हें मिलता है, सो दैट जो बड़े लाइक लेसन्स हैं उन्हें दिए जा सकें, तो वो ऑलरेडी उन लेसन्स को पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो जब वो उनको उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे जो वो लेसन पढ़ते टाइम उनकी लाइफ में आई, जो दुख वो लेकर बैठ गए हैं अपने अंदर समा लिया है उन्होंने दुख, जब वो उन दुखों से ऊपर उठ जाएंगे तो उनकी ग्रेजुएशन हो जाएगी इस बर्थ से भी, और वो और आगे उनकी सोल ग्रो करेगी और फिर कुछ और बेटर उन्हें मिलेगा, ये वाले दुख जो उन्होंने यहाँ देखे और उनसे ऊपर उठ गए ये दुख उनकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएंगे, जो अगला जन्म होगा वहाँ पे उन्हें और सुख मिलेंगे, और ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी जो उन्होंने एक्सपेक्ट की होंगी, जिनके लिए उन्होंने यहाँ एफर्ट किया, मान लीजिए उन्हें यहाँ नहीं मिली तो वो नेक्स्ट बर्थ में उनको या आगे के बर्थ्स में उनको मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन देयर स्पीड एंड एफर्ट्स एंड इंटेंशंस, राइट? तो उनको ये समझाइए कि सोल की ग्रोथ जो है इसी तरह से होती है, धीरे 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 बर्थ ले लेके हम बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, लेकिन जब इंसान का बर्थ होता है तो पता नहीं क्यों हम वो दुख वगैरह अपने अंदर समा लेते हैं और फिर हम स्टक हो जाते हैं और इस जोन में चले जाते हैं जहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो इट
नीड्स टू बी हील्ड, तो ये हीलिंग बहुत ज़रूरी है, ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है आपका अपने एंसेस्टर्स को देना, और इस तरह से उनको हील करिए, उनको सोल ग्रोथ का महत्व समझाइए, उनको बोलिए जैसे कि मैंने उस दिन प्रेयर में भी बताया था पितरों वाली, कि आप अपनी जो लाइफ जर्नी है, अपनी जो सोल जर्नी है वो पूरी कीजिए, हम आपको यहाँ स्टक नहीं देखना चाहते, हम चाहते हैं आप बहुत ग्रो करें, आप बहुत अच्छा करें, अपना जो भी मिशन लेके आप धरती पे आए हैं, बार बार बर्थ ले रहे हैं, वो मिशन आप एकम्प्लिश करें, आपको खूब ज्ञान मिले, आपको सारी खुशियाँ मिले, आपको खूब ग्रोथ मिले, और आपने लाइफ में जो भी चाहा है या आप धरती पर जिस भी रीज़न से आए हैं वो आपके सब फुलफिल हो। तो हमारी आपके लिए यही प्रेयर्स हैं, बट वो स्टक होकर नहीं होगा, वो तभी होगा जब आप आगे बढ़ेंगे। आप हमारी अगर अटैचमेंट इश्यूज की वजह से आप स्टक हैं तो प्लीज़ चिंता मत करिए, आपके पीछे अगर हमें परेशानी भी हुई तो हम और मज़बूत बन के निकले हैं, आज हम बहुत मज़बूत हैं, हमने लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, और हमें लगता है कि हाँ हमारा मज़बूत होना बहुत ही ज़रूरी था और ये आप ही के सेक्रीफाइसेस की वजह से हो पाया है, और थैंक यू कि आप हमें इस दुनिया में लेकर आए, तो हम इसके लिए सदा आपके आभारी हैं। हम इसी बात का ऋण उतारने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा पूरा फैमिली लाइन का डीएनए है वो हील्ड हो जाए, ताकि सभी को ये ज्ञान मिल सके और आगे आने वाली जनरेशन्स, या अगर आप लोग भी दोबारा हमारे ही परिवार में जो एंसेस्टर्स हैं वो दोबारा एज फ्यूचर जनरेशन्स हमारे परिवार में आते हैं, तो आप लोग हील्ड डीएनए के साथ आए, बहुत वाइजली आप लाइफ को हैंडल कर सकें, और आपको वो सब कुछ मिले जो आपने, आपकी विशेस थी, आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो एकम्प्लिश हो सकें, पूरी हो सकें। तो इस तरह से आप अपने एंसेस्टर्स को काउंसल करेंगे, उनको बोलिए कि आप आगे बढ़िए सोल ग्रोथ में, हम आपके साथ हैं, हमारी ब्लेसिंग्स, हमारा प्यार, हमारी प्रेयर्स आपके साथ हैं, और आप कहीं नहीं जा रहे, ये सिर्फ ये पर्दे हैं अलग अलग एक बहुत बड़े स्पेस में, बस किसी जो ये डिवीज़न है पर्दों के बीच, तो किसी रूम में ऐसा है कि हम सामने वाले को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, किसी रूम में हम सामने वाले को सिर्फ सुन पा रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, छू नहीं पा रहे हैं, और किसी जोन में हम उन्हें सिर्फ रोशनी के वे में देखते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हम सब डिवाइडेड हैं अलग अलग कमरों में, लेकिन बेसिकली हम सब एक ही हैं, एक ही ईश्वर के बच्चे भी हैं, एक ही ईश्वर का अंश हैं, और हम सब एक ही जगह पर हैं। बस ये है कि ये जगह थोड़ी बड़ी है, तो क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं। एक जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम सब वहीं उसी ईश्वर के अंदर समा जाते हैं, तो इस जर्नी को एकम्प्लिश कीजिए ताकि हम सब एक ही जगह पर वापस ईश्वर में मुक्त होकर, एक ईश्वरीय शक्ति बनकर, ईश्वर के अंश बनकर वापस वहाँ पर एक हो जाएंगे। तो आप आगे बढ़िए और एक्सप्लोर कीजिए अपने नए जीवन, अपनी नई जर्नी, अपनी सोल ग्रोथ, और आप सदैव हमारे मन में, हमारी यादों में हैं, और आप कहीं नहीं गए, आप हमारे डीएनए में भी हैं, राइट? तो आप स्टक मत होइए, हमारी आपसे यही प्रार्थना है, आप अपनी जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी हर्ट है, जो भी अटैचमेंट्स हैं, जो भी ऐसी चीज़ें जो आपको, आप नहीं भूल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इन सभी को, उन्हीं उन सभी इश्यूज को आप इस वायलेट फ्लेम में डाल दीजिए, और यहाँ से वो सभी जो हैं वो आपकी जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो कुछ भी है वो ख़त्म हो जाएगा, आप फ्री हो जाएंगे इन सभी चीज़ों से। तो खुद को फ्री करिए इन सभी नेगेटिविटीज से और अपनी सोल की जर्नी में आगे बढ़िए। हमारी प्रेयर्स, हमारा नमन, हमारे रिगार्ड्स, हमारा बहुत सारा प्यार आपके साथ है सदा, और आप भी सदा हमारे साथ हैं हमारे मन में, ठीक है? तो इस तरह से उन्हें बोलिए एंड विजुअलाइज के वो वायलेट फ्लेम में अपनी सारी नेगेटिविटीज़ और जो कुछ भी चीज़ें, उनके बंधन, उनके अटैचमेंट्स, उनकी नेगेटिविटीज़, जो कुछ भी उनको उनके हर्ट्स, पेन्स थे, वो सब उसमें
वायलेट फ्लेम वाले हवन में वो सब कुछ डाल रहे हैं, और उसके बाद वो एकदम फ्री फील करें, एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसे हो गए हैं। और उसके बाद उनको बड़े प्यार से रिगार्ड्स के साथ, नमन के साथ आप उनको वहाँ से विदा कर दीजिए कि अब आप ईश्वर के चरणों में जाइए, और उनको बोलिए जो आपके लिए बेस्ट है वो आप कीजिए, हम तैयार हैं आगे की जर्नी के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, इस तरह से आप उन्हें, आप गॉड को भी इमेजिन कीजिए और उनको प्रेयर कीजिए कि इन सभी एंसेस्टर्स को, हमारे सभी एंसेस्टर्स को आप हीलिंग दीजिए, और जो इनके लिए बेस्ट है वो आप कीजिए, हमारी यही प्रेयर्स हैं। आर्कएंजल माइकल को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपके एंसेस्टर्स को हेल्प की इस नेगेटिविटी से निकलने के लिए, आपको प्रोटेक्टेड रखा, ठीक है, आपको बहुत सारी गाइडेंस दी, और इतने सारे अनकंडीशनल लव के लिए आप यूनिवर्स को, डिवाइन को, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, डिवाइन बीइंग्स को, एंसेस्टर्स को भी, सभी को, क्योंकि एंसेस्टर्स ने हमारी बात मानी, इतना कुछ हमारे लिए किया, अगर वो ना होते तो हम भी ना होते, कहीं ना कहीं वही कॉज है, वही रीज़न है कि हम धरती पे हैं। तो सभी को थैंक यू बोलिए, और आप सबको नमन करते हुए जस्ट विजुलाइज कि आप अपने घर का जो भी आप मेडिटेशन जहाँ करते हैं या जो भी आपके घर का मंदिर है वहाँ पे आप वापस आ गए हैं, ठीक है, और आंखें खोलकर आप भगवान जी को नमन कीजिए, थैंक यू बोलिए एक बार फिर से कि ये जो मेडिटेशन है एंसेस्टर्स के लिए वो उनकी कृपा से सफल हो गई। तो ये थी मेडिटेशन पितरों को हीलिंग देने के लिए, उनकी मुक्ति की प्रेयर करने के लिए। सो आई जस्ट होप यू ऑल विल गो फॉर इट, एंड वंस यू डू इट यू विल फील वेरी लाइट, आपको खुद ही अपने अंदर एक इतना क्रिस्टलीन टाइप ऑफ, इतना क्लियर, इतनी लाइट वाली फीलिंग आएगी ना, यू विल फील वेरी रिलैक्स एंड वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपको फील होगा। और आई विल से कि जो भी आपके क्लोज वंस, जो भी आपके लाइक आपके होश हवास में जो लोग आपके सामने चले गए हैं, जिनके लिए आपको बहुत दुख हुआ, जब वो जा रहे होंगे उनको रोकिए मत, उनको बड़े प्यार से आप उनको विदा करिए, और आंखें खुलने के बाद भी या मेडिटेशन की ड्यूरिंग भी अगर आपके आंसू आ जाते हैं, डोंट स्टॉप योर टीयर्स, लेट देम फ्लो, दैट्स योर लव फॉर देम एंड दे नो इट। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर नाउ, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, गॉड ब्लेस अस ऑल, बाय बाय।